द लैंग्वेज, जुबान, भाषा इज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, कल्चर एंड लिटरेचर. अकॉर्डिंग टू 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 22 लैंग्वेजेस हैव बीन अप्रूव्ड. मैं जी श्याम अपने आप को हिंदी भाषी कहने में गौरवान्वित महसूस करता हूँ, क्योंकि एक ऐसी भाषा है जो अपनी सरलता के कारण, सुगमता के कारण तमाम देशों में बड़ी ही सहजता के साथ स्वीकार की जा रही है. राजभाषा के रूप में इसने अपनी पदवी हासिल की है और राष्ट्रभाषा के रूप में ये एक और नए मुकाम की ओर बढ़ रही है. जिस तरह की ये भाषा है, जैसा इसे लिखा जाता है, उसी तरह से इसे बहुत आसानी से समझा जा सकता है. हिंदी, एन इंडो यूरोपियन लैंग्वेज रिटन इन देवनागरी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इट इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया. इट ड्रॉज वोकैबुलरी फ्रॉम संस्कृत, उर्दू, पर्शियन एंड अरेबिक. लिंग्विस्ट कंसिडर्ड हिंदी एंड उर्दू टू द सेम. द अदर डायलेक्ट्स ऑफ हिंदी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, अवधी, मारवाड़ी, मैथिली एंड भोजपुरी. हिंदी डिवाइडेड इन 4 स्टेजेस, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल एंड आधुनिक काल. हिंदी राइटर्स इन ऑल 4 स्टेजेस आर सूरदास, रहीम, कबीर, गुरु नानक, मीराबाई, मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, अज्ञेय, निराला, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, यशपाल, गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, हरिवंश राय बच्चन एंड प्रेमचंद. स्टिल फ्रॉम फिल्म तीसरी कसम, बेस्ड ऑन शॉर्ट स्टोरी ऑफ द सेम टाइटल बाय फणीश्वरनाथ रेणु.